जी हाँ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में आज लोक कलाकारों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा है कि राजस्थान की शायद ही ऐसी कोई कला होगी जिसका प्रदर्शन आज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम अभी कालबेलिया नृत्य के जो कलाकार हैं, जो महिला कलाकार हैं, उनके बीच में अभी मौजूद हैं। कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसे गुलाबो सपेरा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, उसके बाद में ये नृत्य लगातार भारत से बाहर भी दिखाया जाता है, चर्चा होती है और कहा जाता है इस नृत्य के बारे में कि ये परंपरागत तौर पर एक ऐसी जाति का नृत्य है, एक ऐसी जाति की कला है जिस जाति ने सदियों से इस कला को सहेजने का काम किया है। सपेरा जाति जो मूलतः डेरों में रहती है, जंगलों में रहती है, सांप पकड़ने का, सांप दिखाने का काम करती है, आज प्रजातंत्र के 75 साल बाद भी इस जाति के पास में उतने अधिकार या फिर मैं कहूं कि उतनी चेतना नहीं आ पाई है और दूसरी जातियों के मुकाबले एक डेरों में रहने वाली ये जाति बन गई है। लेकिन लोक कला को लेकर इनका जो डेडिकेशन है वो देखते ही बनता है। कहते हैं कि कालबेलिया नृत्य की जो महिला कलाकार होती हैं उन्हें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें किसी कोच की जरूरत नहीं होती, वो अपने परिवार में ही परंपरागत तौर पर डेरों में ही ये नृत्य करती हैं, बीन के आगे, पुंगी के आगे, और धीरे धीरे बड़ी कलाकार बन जाती हैं। तो इन कलाकारों से हम बात करेंगे कि किस तरह से ये इस कला को लगातार सहेज रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूड़ी सपेरा। बापूड़ी सपेरा, कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ कालवाड़ से। कालवाड़ से, यानी डेरों में? हाँ, डेरों ही है सर हमारा। तो कैसे सीखते हैं? कहते हैं कि जो कालबेलिया नृत्य की जो कलाकार होती हैं उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हम बचपन से यही डांस सीखते हैं, फिर यही करते हैं हम लोग डांस घर में ही। हाँ, घर में ही डेरों में डांस करते हैं हम लोग छोटे से। तो आपका क्या नाम है? रेखा सपेरा। रेखा सपेरा। रेखा सपेरा, कब से कर रही हैं आप ये डांस? ये बचपन से। बचपन से ही, जब छोटे थे? हाँ। और तो आपका जो परिवार है वो अभी भी इस तरह के सांप दिखाना, पकड़ना, इस तरह ये के सब काम करते हैं? अभी भी करते हैं। ठीक है। तो बताइए, आप डेरों में रहते हैं वहाँ से, लेकिन आगे कैसे प्लेटफॉर्म मिल पाता है अपनी कला को दिखाने? अब तो हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसमें भी डांस करवा रहे हैं, आगे पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अब मांगना खाना बंद कर दिया। अब सांप भी बहुत कम पकड़ते हैं हम लोग, नहीं पकड़ते हैं सांप, अब डांस ही करते हैं हम लोग। कानून के दायरे में आ जाता है सांप पकड़ना? वो है ना, जो अब पकड़ने लग गए, जो हम लोग सांप छोड़ दिए, अब डांस करते हैं सिर्फ। अब केवल इससे गुजारा बत्ता चलता है? ठीक है, गुजारा तो कहाँ चलता है सर। आपका क्या नाम है? गुड्डी सपेरा। है जी? गुड्डी सपेरा। गुड्डी सपेरा, तो आपने भी डेरों में ही सीखा था ये डांस? हाँ, करना। कहाँ आपने डांस किया है, कोई बड़े प्लेटफॉर्म ये दुबई? रेखा जी, दुबई। आपने दुबई किया है? जी हाँ। कौन लेके गया था, कैसे दुबई जाने का मौका मिला आपको? तो हमारा एक लीडर है मीना सपेरा, उनके साथ हमने गया। मीना सपेरा कौन है? मीना सपेरा बताइए, हमारे जाति में ही है। अच्छा, तो उनके साथ हम गए थे। तो वो आपको दुबई लेकर गई? हाँ जी। के गुलाबो सपेरा बहुत बड़ी कलाकार, मिलना हुआ है उनसे? हाँ, होता है मिलना। आप आगे, हमारी भतीजी लगती है वो, मेरा पिताजी उसके दादी दादा लगता है गुलाबी के साथ। गुलाबो सपेरा, हाँ, यही चंचल को उठाया था। बताइए, एक गुलाबो सपेरा सपेरा समाज से निकली है, और दूसरे जो कलाकार हैं कहते हैं कि सपेरा समाज की हर लड़की को अच्छा डांस करना आता है, तो सब इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। हाँ सर, इनके नाम से चले गुलाबो सपेरा, गुलाबो के पीछे ही। गुलाबो सपेरा ने जो एक मंच तैयार किया उसका फायदा आपको मिला? हाँ, गुलाबो के पीछे हमारे को। आप इनके परिवार से हैं? जी सर। आप अभी भी करते हैं ये सांप दिखाना, सांप पकड़ना करते हैं? आपकी जो लड़कियां हैं परिवार की, कैसे तैयार हो जाती हैं ये सर? क्या हमारे साथ वो देख, ये हमारी लड़कियां कभी कोई ब्याह में, शादी में, किसी में हमारे खुशी होती है उसमें डांस करते हैं, तो हमारी लड़कियां देखती रहती है। हाँ। तो विनी के साथ वो लग जाती है। अच्छा, इसमें पुंगी का क्या कनेक्शन है? पुंगी का क्या, हमारा बचपन का ये इससे साथ चला है। आप पुंगी बजाते हैं तो लड़कियां नाचती है? डांस स्टार्ट कर दिया हमने, सांप को छोड़ दिया, अब डांस हम करते हैं, सांप की जगह हम लोग डांस करते हैं। आपके डांस को एक अलग पहचान? हाँ, जैसे कालबेलिया डांस हो गया हमारा, सांपों को छोड़ के अब डांस पे लग गए हम लोग। घर मकान स्थाई बन पाए हैं अभी या फिर? हाँ है, बमोरी गांव में है, झोपड़े ही है, ऐसे है झोपड़े है, सरकारी पट्टे मिल गए। हाँ, बच्चे पढ़ने भी लगे? हाँ, पढ़ रहे बच्चे हमारे। और क्या ऐसा काम धंधे रहते हैं सपेरा समाज के, कि आपने कहा डांस करने से तो घर पर डांस भी करते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं सर हम? अच्छा, हाँ, मांग भी लेते हैं, मैंने तो मजदूरी कर लेते हैं, चूना बाटा, कोई मिस्त्री है, कोई कहीं अरे काम, कोई गाड़ी ड्राइवर, ऐसे कोई आप का धंधा करने लग गए कुछ ये लेन में, कलाकारी लाइन में, ऐसा मेहनत मजदूरी भी करते हैं? हाँ, मेहनत, चूना बाटा, मेहनत मजदूरी करते हैं सर। तो
सपेरा समाज के लोग थे जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है लोक कलाओं की, यहाँ पर आए हुए हैं और कालबेलिया नृत्य का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हमने बात की, इनके मुद्दों को समझा और खास बात ये देखने को मिली कि अब जो परंपरागत काम थे सांप पकड़ना, सांप दिखाना, उनको धीरे धीरे ये समाज छोड़ रहा है। स्थाई पट्टे भी इन लोगों को मिल चुके हैं और इनके समाज की, इनकी जाति की जो लड़कियां हैं अब बड़े मंचों पर अपना जो कला है उसका प्रदर्शन करने लगी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र खिलाड़ा जयपुर। एक डांस दिखाओगे क्या?